नमस्कार मैं हूं शाश्वत सिंह न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है देश में नौ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग यूनियनों से संबंधित कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ दो दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे यह देखते हुए कि बैंक पहले ही सप्ताहांत के लिए बंद थे इसका मतलब है कि बहुत से लोगों को चार दिनों तक शाखा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं थी अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव दिया था इससे अधिक और इसके अलावा सरकार की योजना आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की भी थी जो अब भारतीय जीवन बीमा कॉर्प के स्वामित्व में है और इसलिए इसे निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है आश्चर्य नहीं है कि बैंक यूनियन निजीकरण का विरोध कर रहे हैं यह देखते हुए कि यह सरकार द्वारा संचालित संस्थान का कर्मचारी होना है जहाँ नौकरी जीवन भर चलती है और पूरी तरह से निजी संस्थान के कर्मचारी होने की बात है लेकिन इस तथ्य का तथ्य यह भी है कि बैंकिंग यूनियन क्या कर सकती है या नहीं इसके बावजूद एक क्षेत्र के रूप में बैंकिंग पहले से ही निजीकरण हो रही है एयरलाइंस और दूरसंचार की तरह निजीकरण में निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति बेचना शामिल है यह तर्क दिया जाता है कि निजी क्षेत्र लाभ के मकसद के कारण व्यवसाय को अधिक कुशलता से चलाने की कोशिश करता है हालांकि आलोचकों का तर्क है कि निजी कंपनियां अपनी एकाधिकार शक्ति का फायदा उठा सकती हैं और व्यापक सामाजिक लागतों की अनदेखी कर सकती है दरअसल इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेच राज्य सरकार राजस्व को बढ़ाना चाहती है और उस पैसे का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं पर करना चाहती है सरकार ने 2021 से 22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है इसके मद्देनजर सरकार ने देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है निजीकरण का मुख्य तर्क यह है कि निजी कंपनियों के पास लागत में कटौती और अधिक कुशल होने के लिए लाभ प्रोत्साहन है यदि आप सरकार द्वारा संचालित तो उद्योग प्रबंधकों के लिए काम करते हैं तो आमतौर पर किसी भी मुनाफे में हिस्सा नहीं लेते हैं हालांकि एक निजी फर्म लाभ कमाने में रुचि रखती है और इसलिए लागत में कटौती और कुशल होने की संभावना अधिक है बैंकों के निजीकरण से ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है उनके खाताधारकों को कोई नुकसान नहीं होगा ग्राहकों को पहले की तरह ही बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेगी मालूम हो कि इन चार बैंकों में फिलहाल दो दशमलव दो दो लाख कर्मचारी काम करते हैं सूत्रों का कहना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम कर्मचारी होने के चलते उसका आसान रह सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण आखिर यहाँ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नरेंद्र मोदी सरकार एक सामान्य बीमा कंपनी के अलावा दो पीएसबी में अपनी हिस्सेदारी को विभाजित करेगी इसके अलावा आईडीबीआई बैंक के वी निवेश प्रक्रिया भी अगले वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएगी अब देखने वाली बात है कि निजीकरण को लेकर उपभोक्ता और कर्मचारी आगे अपना क्या रुख रखते हैं अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल